माननीय सर्वोच्च न्यायालय पदोन्नत में आरक्षण को असंवैधानिक करार दे चुका है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश में 2012 से पदोन्नत में आरक्षण नहीं है। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने 15 जून को एक ऑर्डर किया है और उस आदेश के माध्यम से पदोन्नत में आरक्षण को दोबारा लागू कर दिया गया है। इससे देश के 3 करोड़ कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। इसी गुस्से का इजहार करने के लिए आज देश के सभी प्रांतों की राजधानियों में काला दिवस मनाया जा रहा है। कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसा ही कार्यक्रम लखनऊ में यहाँ 1090 चौराहे से हो रहा है और 1090 चौराहे से कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक राजीव चौक तक जाएंगे। दौड़ भी होगी, मार्च भी होगा और अपने विरोध का हम प्रदर्शन करेंगे। क्या मांगे हैं आप? हमारी कोई मांग नहीं है। हमारा यह कहना, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय पदोन्नत में आरक्षण को असंवैधानिक करार दे चुका है तो केंद्र सरकार को पदोन्नत में आरक्षण का जो आदेश जारी किया है उस आदेश को वापस चाहिए। वह राष्ट्र के हित में नहीं। आज चेतावनी, ये सरकार को चेतावनी देने के लिए दौड़ होगी जी? सरकार को चेतावनी देने के लिए दौड़ है कि इस आदेश को वापस लें, क्योंकि हमारा यह कहना है कि 21वीं शताब्दी का भारत बैसाखी पर, आरक्षण की बैसाखी पर सशक्त नहीं हो सकता। वह ज्येष्ठता के आधार पर होगा, श्रेष्ठता के आधार पर होगा और यही सीनियरिटी और मेरिट की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती तो क्या होगा? अब यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। मैंने बताया कि आज देश के सभी प्रांतों की राजधानियों में काला दिवस मनाया जा रहा है। हम लोग अगला कदम निर्धारित करेंगे और पूरे देश में 3 करोड़ कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग काम भी बंद करेंगे।